देश की राजधानी दिल्ली अखबारों और टीवी के साथ ही सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। वजह, शाहीन बाग का CAA और NRC को लेकर विरोध हो, चाहे इस विरोध में फायरिंग करने वाले हो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, जहां तीन बड़ी पार्टियां अपना दमखम झोंकने में पीछे नहीं हट रही। BJP के ओर से की जा रही बयानबाजियां दिल्ली की सर्दी में गर्मी ला रही है। देश के गद्दारों को बटन यहां बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे। अब जरा इस चुनावी गर्मा गर्मी के बीच ये तस्वीर देख लीजिए। ये राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे हैं। राजे की ये सभा दिल्ली के पालम विधानसभा क्षेत्र की है। पूर्व CM ने अपने सोशल अकाउंट पर सभा की तस्वीरें शेयर की है। पूर्व CM ने पालम विधानसभा क्षेत्र में BJP के प्रत्याशी श्री विजय पंडित के समर्थन में कैलाशपुरी चौक पर सभा को संबोधित कर जनता से BJP के पक्ष में वोट देने की अपील की। पूर्व CM की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह जनता और कार्यकर्ता उनका अभिवादन कर रहे हैं। सिर्फ पालम ही नहीं, पूर्व CM ने ट्वीट कर दिल्ली की वर्तमान सत्ता में कभी CM पर जमकर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर आगामी सभा को लेकर भी ट्वीट किए। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए तीन बड़ी पार्टियां BJP, कांग्रेस और दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की कतारें लगा दी है। BJP की ओर से 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही हेमा मालिनी, सनी देओल जैसे सितारों के साथ ही UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। लेकिन लिस्ट से राजस्थान की दो बार की CM रही वसुंधरा राजे का नाम नदारद है। हाँ, राजस्थान के जोधपुर में सांसद और मोदी के खास सिपा सलार गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर स्टार प्रचारकों में है। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे का दिल्ली के पालम में चुनाव प्रचार करना और फिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करना प्रदेश के साथ ही देश की राजनीति में भी हलचल बढ़ा रहा है। दरअसल बीते साल ही प्रदेश के विधानसभा चुनाव में BJP को हार का सामना करना पड़ा। तत्कालीन CM सत्ता से क्या उतरी, प्रदेश की राजनीति में उनकी चमक भी फीकी पड़ने लगी। प्रदेश में विधानसभा के बाद हुए चुनावों में पूर्व CM ना के बराबर ही दिखाई पड़ी, फिर चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर नगर निगम के। पूर्व CM का चुनाव प्रचार में न दिखना राजनीतिक हलचलों को हिलोरे देता रहा। कई बार BJP के आला कमान से इसको लेकर सवाल भी पूछे गए तो उनका भी यही जवाब होता था कि जब जहां जरूरत होगी वो प्रचार करेंगे। दो सीटों को लेकर हुए विधानसभा के उपचुनाव में एक सीट से हार और नागौर की सीट पर कम वोटों से जीत को लेकर BJP के साथ गठबंधन और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नागौर के सांसद हनुमान बेलीवाल ने तो बाकायदा ट्वीट कर राजस्थान की पूर्व CM को पार्टी से निकालने की मांग तक कर डाली थी। विधानसभा चुनाव के बाद से प्रचार से दूर रहने वाली राजस्थान की राजनीति में महारानी के नाम से वे ख्यात पूर्व CM वसुंधरा राजे ने लगता है एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर ली है। बीते दिनों ही प्रदेश में एक पोस्टर खूब वायरल हुआ था। पोस्टर जोधपुर शहर का था, जिसमें पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व CM वसुंधरा राजे की तस्वीरों के साथ वसुंधरा राजे है तो राजस्थान है का स्लोगन लिखा था। पहले पोस्टर और अब खुद पूर्व CM का दिल्ली में जाकर चुनाव प्रचार करना और फिर तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करना उनकी राजनीतिक विरोधियों को ये जताना भी हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति में उनका वर्चस्व अभी खत्म नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।